हेलो स्टूडेंट्स, आई एम तरुणा सैनी फ्रॉम सूरज स्कूल भिवाड़ी। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, दैट इज़ रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। दैट इज़ वेरी मच सिमिलर टू एडमिशन ऑफ पार्टनर एंड दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यू कैन से वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर द पार्टनरशिप अकाउंटिंग। ओके, सो लेट्स बिगिन द इंट्रोडक्शन पार्ट, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न द मीनिंग ऑफ रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। रिटायरमेंट का मतलब होता है बेटा रिटायरमेंट, जैसे कि आपको पता है कि जब कोई भी गवर्नमेंट पर्सन है अपने अपॉइंटमेंट के लेने के बाद में वो कंटिन्यूसली काम करता है, फिर एक टाइम के बाद में उसको रिटायरमेंट मिल जाता है। रिटायरमेंट मतलब अपने काम को छोड़कर जाना। तो रिटायरमेंट मतलब यहाँ पे पार्टनरशिप बिजनेस में दो या दो से ज़्यादा पार्टनर होते हैं, तो यहाँ पर दो या दो से ज़्यादा पार्टनर, मान लीजिए तीन पार्टनर हैं, तो उनमें से एक पार्टनर अपने बिजनेस को छोड़कर जा रहा है, जैसे क्या बोलेंगे, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, बिजनेस को वो छोड़कर जाएगा। और डेथ में भी पार्टनर बिजनेस को छोड़कर जाएगा, लेकिन रिटायरमेंट जो होगा वो प्री प्लान होगा, पार्टनर बताएगा। और डेथ तो क्या होती है, अनसर्टेन इवेंट होता है, तो पार्टनर की डेथ ड्यूरिंग द ईयर कभी भी हो सकती है। ओके, तो रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर रिकन्स्टिट्यूशन का एक वे है। हमने रिकन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में पढ़ा था दैट देयर आर फाइव मोड्स ऑफ रिकन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप। कौन कौन से मोड हमने वहाँ पर पढ़े थे, एक हमने पढ़ा था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एक हमने पढ़ा था उसमें एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, देन हमने पढ़ा था उसमें रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, देन हमने उसमें पढ़ा था डेथ ऑफ अ पार्टनर, और हमने एक पढ़ा था अमलगमेशन। तो अभी हमें क्या करना है, हमें करना है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। सो इट इज़, यू कैन से इट इज़ वन ऑफ द मोड ऑफ द रिकन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप। नाउ व्हाट आर द टॉपिक्स विच एनी स्टूडेंट हैज़ टू अंडरस्टैंड इन दिस चैप्टर, तो वो है बेटा न्यू रेशियो कैलकुलेट करना, गेनिंग रेशियो, डिस्टिंक्शन बिटवीन सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। सो इन आर वीडियो वी विल कम्प्लीट दीज टू टॉपिक। लेटर ऑन वी विल स्टडी अबाउट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, रिवैल्यूएशन, रिजर्व्स एंड एडजस्टमेंट्स ऑफ कैपिटल, एंड देन वी विल असर्टेन हाउ टू प्रिपेयर द रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट, देन हिडन गुडविल, एंड देन वी विल सी हाउ टू प्रिपेयर द डिसीज्ड, मतलब जिस पर्सन की डेथ हो गई उसका अकाउंट कैसे बनाना है। सो वी विल स्टडी टूडे न्यू रेशियो एंड डिस्टिंक्शन बिटवीन सेक्रीफाइस एंड गेनिंग रेशियो। सो लेट्स हैव अ लुक बेटा, फर्स्टली लिसन, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर मीनिंग, अ पार्टनर हैज़ अ राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म आफ्टर गिविंग ड्यू नोटिस इन एडवांस। अगर किसी पार्टनर को फर्म से रिटायर होना है तो वो एडवांस में नोटिस देकर रिटायर हो सकता है। Old partnership comes to an end and after the retirement of a partner, but the firm continues and a new agreement comes into existence. तो हमने reconstitution of partnership में पढ़ा था that old partnership comes to an end, old relationship break होता है और new relationship emerge होता है। तो old relationship यहाँ पर end हो रहा है, new relationship emerge हो रहा है, तो ये क्या हो गया, reconstitution। So retirement of a partner reconstitution का एक way है। जब पार्टनर रिटायर होगा तो उसे क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, शेयर इन गुडविल, क्योंकि उसने मेहनत की है पास्ट में, काफ़ी सालों तक उसने काम किया है तो उसे गुडविल में शेयर मिलेगा। शेयर इन रिजर्व्स, अगर मान लीजिए कोई बिना बटे हुए प्रॉफिट ऑलरेडी बिजनेस में रखे हुए हैं क्योंकि उसने बिजनेस में मेहनत की है, तो यहाँ पर वो प्रॉफिट उसका बनता है, तो हम उस पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। शेयर इन रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज़, अगर असेट एंड लाइबिलिटीज़ के होने पर कोई भी प्रॉफिट या लॉस होता है तो उसमें भी रिटायरिंग पार्टनर का शेयर है। तो जो भी टोटल अमाउंट रिटायरिंग पार्टनर की होती है हम उसको तुरंत दे देते हैं, आइदर पेड इमीडिएटली, अब वो जा रहा है बिजनेस छोड़कर तो हम उसे अमाउंट देंगे तो हम उसे कैश दे देंगे, या फिर हम उसको कैश नहीं देंगे, लोन में ट्रांसफ़र कर देंगे। ओके, तो हम ये सारी चीज़ें उसको देंगे। देन आपका आता है मीनिंग ऑफ रिटायरमेंट, शॉर्ट में लिखा हुआ है, व्हेन ए पार्टनर डिसाइड्स टू लीव द पार्टनरशिप फर्म बीइंग ऑफ ओल्ड एज और इलनेस और डिफरेंस विद अदर पार्टीज या बेटर बिजनेस अपॉर्चुनिटी और एनी रीजन, किसी भी रीजन से, बुढ़ापे की वजह से, बीमारी की वजह से, या डिस्प्यूट्स की वजह से, या बेटर अपॉर्चुनिटी मिलने की वजह से, तो उसे हम बोलते हैं रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। पार्टनर रिटायर कैसे हो सकता है, विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर, सारे पार्टनर्स की मर्जी होनी चाहिए, एग्रीमेंट में होना चाहिए और नोटिस दिया होना चाहिए राइटिंग में। लायबिलिटी क्या है पार्टनर की, लायबिलिटी ऑफ अ पार्टनर ऑफ अ फर्म फॉर द एक्ट बिफोर रिटायरमेंट, जो भी रिटायरमेंट से पहले जो भी वर्क किए हैं उसके लिए वो लायबल है, एंड लायबल ऑफ द एक्ट आफ्टर रिटायरमेंट। ए रिटायरिंग पार्टनर ऑल्सो कैन बी कॉल्ड लायबल टू थर्ड पार्टीज फॉर द एक्ट ऑफ द फर्म इवन आफ्टर हिज रिटायरमेंट अनटिल द नोटिस ऑफ हिज रिटायरमेंट इज गिवन, यानी कि जब तक कि उसका नोटिस क्लियर नहीं होता। अब जब भी पार्टनर रिटायर होगा तो क्या क्या काम करने होंगे, न्यू रेशियो, गेनिंग रेशियो, गुडविल, रिवैल्यूएशन, एडजस्टमेंट्स ऑफ एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स, रिटायरिंग पार्टनर का पेमेंट और एडजस्टमेंट्स ऑफ कैपिटल।
पर अब भाई हमें क्या समझना है, न्यू रेशो क्या होता है. न्यू रेशो, न्यू रेशो इज द रेशो इन विच द कंटिन्यूइंग पार्टनर डिसाइड टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस. यानी कि न्यू रेशो वो रेशो है जिसमें जो बचे हुए पार्टनर है, मान लीजिए तीन पार्टनर है, ए बी सी और सी चला गया है, तो जो बचे हुए पार्टनर है वो किस रेशो में अपना प्रॉफिट शेयर करेंगे. तो न्यू रेशो इज इक्वल टू ओल्ड शेयर प्लस एक्वायर्ड शेयर. यानी कि जो पार्टनर गया तो उसका शेयर वो इन दोनों को दे कर जाएगा. तो न्यू कैसे निकलेगा, ओल्ड तो है ही उसका, प्लस में जो जाने वाले पार्टनर ने दिया है गेन. अब गेन कैसे होता है, जब हमने एडमिशन पढ़ा था तो जब पार्टनर आता था तो वो सेक्रीफाइस करता था, लेकिन अब क्योंकि रिटायरमेंट में पार्टनर गेन करेगा क्योंकि पार्टनर जा रहे हैं, तो बचे हुए पार्टनर को प्रॉफिट होगा. अब आता है गेनिंग रेशियो. तो गेनिंग रेशियो में क्या होगा, द रेशियो इन विच द रिमेनिंग पार्टनर एक्वायर द शेयर ऑफ द पार्टनर. यानी कि पुराने पार्टनर जो हैं वो जाने वाले पार्टनर का शेयर एक्वायर करते हैं. तो गेनिंग रेशियो का क्या फॉर्मूला होता है, न्यू माइनस ओल्ड. नाउ डिफरेंस, क्या डिफरेंस होता है सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो में, मीनिंग द रेशियो इन विच द ओल्ड पार्टनर. यहाँ पे तो ओल्ड पार्टनर अपना शेयर किसी को देते थे और यहाँ पर कोई न्यू पार्टनर, यहाँ पे न्यू पार्टनर आता था और ओल्ड पार्टनर को अपना प्रॉफिट देना पड़ता था. गेनिंग में क्या हो रहा है कि पुराने पार्टनर हैं और पुराना पार्टनर छोड़कर जा रहा है तो वो बचे हुए पार्टनर को देकर जाएगा. यहाँ पे फॉर्मूला क्या था, ओल्ड माइनस न्यू, यहाँ पर क्या है, न्यू माइनस ओल्ड. पर्पज, यहाँ पे पर्पज क्या था कि जो नया पार्टनर है, पुराने पार्टनर ने इतने दिनों से बिजनेस चला रखा है तो वो गुडविल में उसको गुडविल लानी पड़ेगी क्योंकि पुराने पार्टनर ने पहले ही मेहनत कर रखी है, तो वो मेहनत उसको मेहनत के बदले वो प्रॉफिट उसे मिलेगा तो वो गुडविल का अमाउंट देगा. और यहाँ पे पुराने पार्टनर में ऑलरेडी मेहनत कर रखी है तो वो जाने से पहले अपने गुडविल का शेयर लेकर जाएगा. ओके, आई होप दैट यू विल कंप्लीट दिस थ्योरी पार्ट. थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस यू.